हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आज हम बात करेंगे संतरे के छिलकों को, जो बहुत ही हमारे लिए लाभदायक हैं और हम उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो मैं आज आपको यूज़फुल टिप्स बताऊंगी संतरे के छिलके का। संतरे के छिलके को छाया में सुखाकर बनाकर बारीक चूर तैयार कर लें और उसमें बेसन या पिसी हुई मुल्तानी मिट्टी या शहद, गुलाब जल और एलोवेरा का पेस्ट निकाल कर उसमें गाढ़ा घोल बना लें। आप इसमें से कुछ भी मिला सकते हैं और इसको अगर मुहासों पर लेप लें तो मुहासे ठीक हो जाते हैं। 10 मिनट लगा रहने दें गर्म पानी से, बाद में गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। अगर आप ऐसे 4 से 6 वीक करते हैं तो आपके चेहरे के मुहासे सही हो जाएंगे। अगर चोट के निशान, जल जाने के निशान या झाइयाँ, चेहरे पर पेट की वजह से दाग धब्बे आ जाते हैं, ये सब दूर करता है। चेहरे का सांवलापन भी दूर करता है, रंग साफ़ करता है, फेयर कॉम्प्लेक्स आपको मिलते हैं। तो चेहरे की ताजगी के लिए, चेहरे का रंग निखारने के लिए, दाग धब्बे दूर करने के लिए संतरे के छिलके बहुत बेस्ट हैं। 15-20 मिनट लगा दीजिए, आप डेली लगाइए 4 से 6 वीक, फिर आप अपना चेहरा देखिए। तो चेहरे हमारे फेस पर मुहासों के दाग रह जाते हैं या आँखों के नीचे ब्लैक आई सर्कल बन जाते हैं, तो ये सब हमारे ये संतरे के छिलकों का महीन चूर्ण बना लें। गुलाब जल मिलाकर घोल तैयार करके चेहरे पर एक पैक लगा लें और चेहरा 15 मिनट बाद धो दीजिए थोड़ा थोड़ा रगड़ करके। तो उससे हमारा चेहरा एकदम खिल उठेगा, स्किन में चमक आ जाएगी, ऐसा लगेगा कि हमने फेशियल कराया है। और ये पैक ऐसा है कि इससे स्क्रब, फेशियल और ब्लीच तीनों एक साथ हो जाते हैं। आप चाहें तो उसके बाद आंख बंद कर चेहरे पर थोड़ा सा भाप लें या ठंडे तौलिए से चेहरा पोंछ लें, तो आपका चेहरा इतना चमक जाएगा कि आपने भी फेशियल कराया है। और चेहरे की झुर्रियाँ भी दूर हो जाती हैं इससे। हमारे गालों के नीचे कनपट्टी की दिशा में साइड में धीरे धीरे उससे मसाज सी करते रहें, जैसे अब मैं आपको करके दिखा रही हूँ, इसी तरह से आपके सारे ब्लैक हेड्स निकल जाएंगे, सारा कालापन दूर हो जाएगा, डेड स्किन निकल जाएगी और धीरे धीरे झाइयाँ भी जाने लगेंगी, चेहरा खिल उठेगा। सब मुझसे पूछते हैं कि आप कौन सा फेशियल कराती हैं, और मैं फेशियल नहीं कराती, मैं कोई ब्लीच यूज़ नहीं करती, मैं घरेलू अपनी किचन में जो सामान होता है उसी को यूज़ करती हूँ। तो संतरे के छिलके आप कभी मत फेंकिए, गीले जब ताज़े होते हैं आप उनको पीस कर पेस्ट अपने फेस पर लगा सकते हैं, नहीं तो छाया में सुखाकर और फिर उनका पाउडर बना के रख लें। उसको दूध में, गुलाब जल में, शहद में मिलाइए, मुल्तानी मिट्टी मिलाइए, दही में मिला लीजिए और फेस पर लगा लीजिए, हाथों पर लगा लीजिए, पैरों पर लगा लीजिए, सारा कालापन दूर हो जाएगा और फेस चमक जाएगा, हाथ पैर चमक जाएंगे, जैसे मैनीक्योर पेडीक्योर कराया है। तो ये आप कभी भी अपने घर में किसी भी टाइम कर सकते हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास टाइम नहीं होता, हम पार्लर नहीं जा पाते, तो हम ये घर में कभी भी कर सकते हैं। नहाने से पहले कर लीजिए, आपको बाथरूम नहाने जाना है तो ले जाइए कटोरी वहाँ अंदर बना करके, और आप बाथरूम में भी लगा सकते हैं। तो मैं आपको ये घरेलू नुस्खे उपाय बताती हूँ अपने चैनल पर, और ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने के लिए, ऐसे टिप्स जानने के लिए आप मेरे चैनल पर बने रहिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर, एक बार अपने फेस पर जरूर लगा कर देखिए, एक बार में ही आपको पता लगेगा कि आपने लगाया चेहरे पर उससे आपका चेहरा कितना अच्छा हो गया। तो ठंडी मलाई में भी डालकर उसमें संतरे के छिलके का चूरा डाल दीजिए ठंडी मलाई में और फेस पर लगा लीजिए, गुनगुने पानी से धो दीजिए, आपका चेहरे इतना चमक जाएगा कि सब लोग आपसे पूछेंगे कि आप क्या करते हैं। तो चेहरे के धब्बे, कील, मुहासे, ये सब दूर करने के लिए आप इसको रात में लगा कर धोकर सो जाइए और कुछ मत लगाइए, फिर
आपका चेहरे की काले दाग झाइयाँ ये सब दूर हो जाएंगी और चेहरा आपका खिल उठेगा। तो इससे हमारे फेस का ना वो भी हो जाता है, स्क्रब भी हो जाता है, हमारी कोहनियाँ, हाथ कोहनी ये सब जो काले पड़ जाते हैं आप रगड़ लीजिए, इतने अच्छे हो जाएंगे धीरे धीरे आपके, जो ये हाथों पे हम वैक्सिंग कराते हैं थोड़े बाल से होते हैं ना वो भी निकलने लग जाते हैं। मैंने तो कभी वैक्सिंग नहीं कराई, मैल काली माँ सब नष्ट हो जाती है और बहुत सुंदर हाथ पैर हो जाते हैं। तो चेहरे की झुर्रियाँ मिटाने के लिए, कालापन दूर करने के लिए और अपने चेहरे को चमकदार बनाने के लिए, हेल्दी स्किन बनाने के लिए चेहरे की आप ये सब कर सकते हैं। आपका फेस तनाव रहित लगेगा, खिला खिला लगेगा कि आपने ऐसा क्या फेस पर किया कि आपके फेस इतना चमक रहा है। गर्दन का मैल भी साफ़ हो जाता है, कोहनियों का। तो ये देखिए मेरे हाथ, मैं कभी पार्लर नहीं जाती, मैं कभी फेशियल नहीं कराती, मैं कभी वैक्स नहीं कराती, और आप ये देखिए मेरे हाथ पैर, मेरा फेस देखिए। ये घरेलू मैं प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ। टिल देन बाय बाय, ओके, जय माता दी।